तिल्दा रेलवे स्टेशन में सुविधाओं के बाद भी वंचित हैं यात्री। एक नंबर प्लेटफार्म खाली होने के बाद भी लाई जा रही है दो नंबर पर गाड़ियां। डिस्प्ले बंद होने के कारण प्लेटफार्म पर ट्रेन आते ही कोच की तलाश के लिए दौड़ते हैं यात्री। आमदनी के मामले में तिल्दा नेवरा स्टेशन हमेशा अव्वल रहा है। तिल्दा रेलवे स्टेशन को पहले एस श्रेणी में रखा गया था, लेकिन नियमों के बदलाव और आमदनी की सीमा बढ़ा दिए जाने के बाद इस स्टेशन का ग्रेड घटाकर बी श्रेणी कर दिया गया है। कहने को तो तिल्दा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कर यात्रियों की सुविधा के लिए उसका विस्तार भी किया गया है। साथ ही रैंप की सुविधा प्रदान करने तेजी के साथ निर्माण कराया जा रहा है। इससे यात्री को कुछ हद तक राहत तो मिलेगी। बावजूद सबसे बड़ी समस्या यहाँ प्लेटफार्म के अंदर प्रवेश की है। आपको बता दें कि स्टेशन प्रवेश द्वार के फ्रंट में गुड्स साइडिंग बना हुआ है, जहाँ हमेशा गुड्स ट्रेन खड़ी रहती है। सर्कुलेटिंग आने जाने के लिए लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में एक नंबर प्लेटफार्म पर जाने के लिए यात्रियों को ओवरफुट ब्रिज का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे में कई यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर गुड्स ट्रेन के नीचे होकर प्लेटफार्म के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। इससे हमेशा अप्रिय घटना घटने का डर बना रहता है। तिल्दा रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म के बाहर गुड्स ट्रेन खड़ी रहती है, जिससे आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। हर उम्र के लोग, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, औरत हो, प्लेटफार्म सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, तब मालूम पड़ता है कि गाड़ी एक नंबर के बदले। तिल्दा रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म नंबर एक पर जो ट्रेन आनी चाहिए, रुकनी चाहिए, वो रुकती नहीं है, जिससे हम जैसे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। या तो हमें पटरी पार करके जाना पड़ता है या फुटपाथ से जाना पड़ता है। तिल्दा रेलवे स्टेशन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्लेटफार्म के बाहर हर समय गुड्स ट्रेन खड़ी रहती है और यहाँ बुजुर्गों को आने के लिए सीढ़ी से चढ़ के आना पड़ता है, जिसमें हार्ट पेशेंट के लोग भी रहते हैं, शुगर के लोग भी रहते हैं। किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रेक भरते समय ट्रकों की लंबी लाइन लगी रहती है। इस बीच यदि यहाँ कोई नया यात्री आता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि स्टेशन जाने का रास्ता कहाँ से है। यात्री समझ ही नहीं पाते कि वे स्टेशन आए हैं या किसी रेक पॉइंट पर पहुँच गए हैं। लंबी सीढ़ी पर चढ़कर एक नंबर प्लेटफार्म जाने में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और विकलांगों को होती है। उनकी सांसें फूल जाती है। कई बार रेल अधिकारियों से इस संदर्भ में चर्चा कर मांग की जा चुकी है कि स्टेशन में फ्रंट में गुड्स साइडिंग को बंद कर भाटापार की ओर स्थानांतरित कर इसका विस्तार किया जाए, लेकिन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। JRUC की बैठक में जोनल सलाहकार दीपक शर्मा भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ रख चुके हैं, लेकिन न जाने क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तिल्दा नेवरा रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित स्टेशन प्रवेश द्वार के सामने गुड साइडिंग को हटाने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है और प्रयास कर रहे हैं। पिछली लगातार बैठकों में भी हमने मांग रखी है। अभी 17 जनवरी को JRUCC की बैठक है, उसमें भी हमने इस साइडिंग को हटाने की मांग की है। इस साइडिंग के कारण आम जनों को, वृद्ध जनों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्टेशन के फ्रंट में सामने सीधा साइडिंग रहती है, लोग सीधा स्टेशन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। साइड में फुट ओवर ब्रिज नया बन रहा है, वो भी बहुत लंबा और बहुत दूर तक जाता है। एक साइड स्टेशन की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोगों को, वृद्ध जनों को बहुत तकलीफ होती है। इस फुट ओवर ब्रिज का भी लाभ कम मिलेगा, लोग सीधा कई बार हो सकता है रेलगाड़ी के नीचे से आना जाना करें। अभी आए दिन इस पर BCN वैगन, अन्य मालगाड़ियां खड़ी रहने लगी हैं। पहले तो खाली लोडिंग की गाड़ियां रहती थी, अब अन्य गाड़ियां भी खड़े रहने लगी हैं। इसका जनहित में हटाने के लिए हम पुरजोर मांग करेंगे। तिल्दा रेलवे स्टेशन पर कुल 48 ट्रेनों का ठहराव दिया गया है, उनमें से अभी 6 यात्री ट्रेन नहीं चल रही है। 21 जोड़ी यानी 42 यात्री ट्रेन तिल्दा प्लेटफार्म पर रुकती है। इनमें 21 ट्रेन अप और उतनी ही ट्रेन डाउन दिशा की ओर से आती है। प्लेटफार्म दोनों के लिए अलग अलग बने हुए बावजूद बिलासपुर भाटापारा की ओर से आने वाली ट्रेनों को एक नंबर प्लेटफार्म पर नहीं लाया जाता है। यात्री ट्रेन आने के पहले ही कोल से भरी गुड्स ट्रेनों को एक नंबर प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, प्लेटफार्म खाली रहने के बाद भी ट्रेनों को दो नंबर प्लेटफार्म लाया जाता है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्टेशन मास्टर से शिकायत करने पर यह कहा जाता है कि हमें कंट्रोल से जो निर्देश होते हैं हम उसी प्रकार कार्य कर रहे हैं।
तिल्दा स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने स्टेशन को सुंदर एवं सुविधाजनक बनाने के लिए पुराने भवन तोड़ दिए गए हैं और उस जगह पर नया निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों में 25% भी काम नहीं हो पाया है। कहने को तो यात्रियों की सुविधा के लिए यहां 1 से लेकर 3 नंबर प्लेटफार्म तक डिस्प्ले की सुविधा दी गई है, लेकिन यह सुविधा मात्र दिखावा साबित हो रही है। आपको बता दें कि डिस्प्ले ज्यादातर समय बंद रहते हैं। पूछने पर यह कहा जाता है कि स्टेशन पर कार्य चल रहा है, इसीलिए इसमें बार बार खराबी आ जाती है। डिस्प्ले बंद होने के कारण जब ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुँचती है तो यात्री कोच की तलाश के लिए दौड़ने लगते हैं और कई बार तो यात्रियों की ट्रेनें तक छूट जाती है। हमारे द्वारा दिखाई जा रही खबर में आप देख सकते हैं कि ट्रेन आने के बाद भी डिस्प्ले बंद है। प्लेटफार्म नंबर 1 खाली होने के बाद भी ट्रेन को 2 नंबर प्लेटफार्म पर लाया जा रहा है।